Good morning, students. Today we will learn how to solve story sums. This story sum is based on both addition and subtraction. So let's start. Suresh deposited in the bank rupees 3037 on Monday, rupees 898 on Tuesday, and rupees 5986 on Wednesday. He withdrew rupees 4879 on Thursday. What is the balance in his account after the withdrawal? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं अपने मनी को सेव करने के लिए, और जब भी हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस डिपॉजिटेड मनी को निकाल भी लेते हैं। उसी तरीके से सुरेश भी अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट किया। सुरेश ने मंडे को रुपीज़ 3037 डिपॉज़िट किया, ट्यूसडे को रुपीज़ 898 डिपॉज़िट किया, और वेंसडे को रुपीज़ 5986 डिपॉज़िट किया। फिर अचानक से उसे कुछ पैसे की ज़रूरत आ गई तो उसने थर्सडे को कुछ पैसे निकाल लिया, रुपीज़ 4879 उसने विदड्रू कर लिया थर्सडे को। नाउ व्हाट इज़ द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉवल? तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि सुरेश ने मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को मनी डिपॉजिट किया, फिर थर्सडे को उसने रुपीज़ 4879 विदड्रू किया। विदड्रू करने के बाद उसके अकाउंट में कितने मनी लेफ्ट थे, मींस कितने उसके अकाउंट में कितने बैलेंस बच गए? तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो जो डिपॉजिटेड मनी है उन्हें ऐड कर देंगे, फिर उसने जो विदड्रू किया उसे फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लेट्स सी हियर, मनी डिपॉजिटेड ऑन मंडे रुपीज़ 3037, यू कैन सी हियर। मनी डिपॉजिटेड ऑन ट्यूसडे रुपीज़ 898, ट्यूसडे को उसने 898 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट किया। मनी डिपॉजिटेड ऑन वेंसडे रुपीज़ 5986, सो वी हैव रिटन ऑल दिस नंबर्स हियर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को पहले ऐड कर देंगे, क्योंकि ये डिपॉजिटेड मनी है। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को सुरेश ने जितने भी मनी डिपॉजिट किए थे हम उसे पहले ऐड कर लेंगे। सो लेट्स ऐड, 7 + 8 = 15, 15 + 6 = 21। 21 टू डिजिट है तो हमने 1 यहाँ लिख दिया जो वंस प्लेस पे, और 2 को हमने कैरी ओवर कर दिया है। नाउ वी विल ऐड दिस डिजिट्स, 2 + 3 = 5, 5 + 9 = 14, 14 + 8 = 22, 22 भी टू डिजिट नंबर है तो हमने 2 को यहाँ प्लेस किया जो वंस प्लेस पे, और जो 2 टेंस प्लेस पे उसे हमने कैरी ओवर कर दिया है। नाउ ऐड दिस, 2 + 0 = 2, 2 + 8 = 10, 10 + 9 = 19, 19 भी टू डिजिट है तो 9 को हमने यहाँ राइट डाउन किया है और 1 को कैरी ओवर कर दिया है। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, तो हमारा आंसर क्या आता है, ₹9921। तो ये हमारा क्या निकला है, टोटल मनी डिपॉजिटेड, मींस सुरेश ने जो टोटल मनी डिपॉजिट किया था मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को, ये हमारा ये अमाउंट आ जाता है। फिर सुरेश ने यहाँ पे क्या किया था, डिपॉजिटेड मनी में से रुपीज़ 4087 उसने विदड्रू कर लिया था थर्सडे को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये डिपॉजिटेड मनी में से 4879 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू कैन सी हियर, टोटल मनी डिपॉजिटेड रुपीज़ 9921। ये जो हमारा यहाँ आंसर आया था उसे हमने यहाँ राइट डाउन किया है। फिर मनी विदड्रॉन ऑन थर्सडे, सुरेश ने कितने मनी विदड्रॉ किए थे थर्सडे को, 4879, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 - 9 तो होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 11, और यहाँ हमारा कितना बच जाएगा, 1। 11 - 9 = 2, फिर 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो करेंगे, ये हो गया 11, 11 - 7 = 4,
और यहाँ कितना बच गया, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5, तो हमारा कितना आंसर है, ₹5,042। ये क्या हमारा निकला है, मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट। तो सुरेश के अकाउंट में ₹5,042 मनी जो है वो लेफ्ट था आफ्टर हिज विदड्रॉवल। सो नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थैंक यू।